अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे मैनी मोर थिंग्स यानी कि क्लोजेट हैक्स। सो वो कैसे होनी चाहिए, आप किस टाइम के क्लोजेट चूज़ कर सकते हैं, या आप अगर अपनी वार्डरोब में कोई स्पेस आप ऐड करना चाहती हैं सो आप स्पेस कैसे कर सकते हैं, सो इससे रिलेटेड मैनी मोर थिंग्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जितने भी आइडियाज़ हम करेंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर, वो होंगे सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और खूबसूरत आइडियाज़ भी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप किस काइंड के वार्डरोब चूज़ कर सकते हैं या किस काइंड की उनमें सेक्शनिंग कर सकते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर आपको आपका कोई वार्डरोब रूम है या अगर आपका कोई पार्ट है आपके रूम का, जैसे कि वार्डरोब पार्ट हम कह सकते हैं, आप उसमें किस काइंड के आप सेक्शंस बना सकते हैं या आप उसमें डिवीजन कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। जैसे आप क्लचेस हैं, अगर आप गर्ल्स हैं फीमेल हैं तो आप अपनी क्लचेस शूज़ वगैरह के लिए सेक्शंस बना लें, बट अगर आप मेल हैं तो आप अपने वॉचेस के लिए या अपने शूज़ के लिए, वॉलेट के लिए एंड मैनी मोर थिंग्स के लिए भी आपने शर्ट्स, जीन्स या पैंट्स हैं, ट्राउज़र पैंट्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ड्रेस पैंट्स हैं या अगर आपकी जीन्स हैं, सो आप उन्हें किस तरह से सेक्शंस में रख सकते हैं। सो इसकी डिफरेंट आइडियाज़ आपको हमारी वीडियो में मिलेंगे, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितने भी आइडियाज़ हैं बहुत खूबसूरत हैं। अब अगर आप इस वीडियो का लिंक शेयर करना चाहती हैं उन लोगों के साथ जिन्हें वार्डरोब की वार्डरोब सेट करना नहीं आता या जिन्हें बहुत मुश्किल होती है सेट करने में, ऑब्वियसली उनकी अलमीरा जब भी आप खोलेंगे, उनका क्लोज़र जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको बिखरा हुआ सामान मिलेगा, सो आप उन्हें भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे और वो वही ऐसे ही तरीक़ों से, इन्हीं मेथड से, इन्हीं प्रोसीजर से वो अपने जो अलमीरा है या जो क्लोज़र है वार्डरोब से उन्हें वो सेट कर लें। सो अगर आप अपने वॉशरूम्स में या अगर अपने ड्रेसिंग टेबल्स को सेट करना चाहती हैं, आप किस तरह से सेट कर सकती हैं, उसके आइडियाज़ भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेंगे। आप अगर आप गर्ल्स हैं तो अपनी टी शर्ट्स के अलग कर लें, अपनी शर्ट्स के अलग कर लें और बाद में अपनी जीन्स हैं या ट्राउजर्स हैं, या अगर आप आपके थ्री पीस सूट हैं या फैंसी ड्रेसेस हैं, आप हर चीज़ का एक एक सेक्शन बना लें ताकि जब भी अगर आपको कुछ लेना हो आप उन्हीं सेक्शंस की तरफ जाएं, आप वो चीज़ें उठाएं और आप यूज़ कर लें। आप अपने मेकअप का भी इवन एक सेक्शन बनाएं, ज्वेलरी के लिए भी एक ड्रॉर्स बना लें ताकि आपके लिए इजी रहे और आपको कहीं भी जाना हो तो मुश्किल पेश ना, आपको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, आपको एक ही जगह से कई चीज़ें मिल जाएँ। आप इस तरह से सेटिंग करें। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर सेटिंग कर सकती हैं, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर वो चीज़ें रख सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ है जो आप डेली यूज़ नहीं करते वो आप अपने जो ड्रॉर्स हैं उसमें रख लें ताकि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो या हमें हर चीज़ बिखरी हुई ना मिले, बिल्कुल सिमटा हुआ हो और डिसेंट हो, बिल्कुल सफाई वाला हो। ऑब्वियसली क्लीननेस इज़ द हाफ ऑफ ईमान, सो आप उन्हें किस तरह से कर सकती हैं, सफाई ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। लिंक शेयर करना चाहते हैं लिंक शेयर कर लें, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लें, वीडियो को डाउनलोड करके रखना चाहते हैं डाउनलोड कर लें। थैंक यू।